Diksha to be part of the trust board that will be constituted. Do you agree with this demand? What do you think about it? Sir, you know, when the All India Muslim Personal Law Board has expressed their opinion by saying that we are not satisfied with the judgment given by the Honorable Supreme Court, so how can you answer that question of yours? सर महाराष्ट्र में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है चुनाव के बाद इतने दिनों में अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं गठबंधन ने चुनाव लड़ी थी बीजेपी और शिवसेना क्या आपकी सिचुएशन पैदा हुई है आपकी नहीं ये दोनों बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है और पहले नंबर वन की पार्टी बीजेपी है दूसरी शिवसेना है अब सरकार नहीं बन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है मैंने पहले भी कहा था जब दारुसलाम में हमने यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए हमने वहाँ पर कहा था कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम बीजेपी लेट सरकार भी होगी तो उसकी तायद नहीं करेंगे और अगर शिवसेना लेट सरकार भी होगी तो उसकी तायद नहीं करेंगे और कल जब मीडिया के हमारे दोस्तों ने हमसे रब्ता किया कॉन्टैक्ट किया और मुझसे सवाल किया कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है आपका क्या स्टैंड है पार्टी का तो मैंने उस वक्त कहा कि मैंने हमारी पार्टी पहले से ही स्टैंड ले चुकी है कि चाहे बीजेपी लेड हो या शिवसेना लेड हो हम उसकी तायद नहीं कर सकेंगे और अच्छी बात है कि कल कांग्रेस एनसीपी मिलकर शिवसेना की तायद कर रहे हैं तो ये जो मेरे सर पर ये जो ताज रखा गया था वोट काटने का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अब आवाम को मालूम हो जाएगा कि वोट कौन काट रहा है कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है तो अब ये हिंदुस्तान की जनता और महाराष्ट्र की जनता जान लेगी मगर हम इस शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अगर उनको मौका मिलता है तो हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते इसलिए कि हमारा मानना यह है कि शिवसेना और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं कोई फर्क नहीं दोनों हिंदुत्व के फोर्सेस हैं और खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब जाने वाले हैं अयोध्या कांग्रेस पार्टी भी माशाल्लाह जजमेंट आने के बाद उन्होंने कह दिया कि हम तो तैयार हैं तो ये तमाम चीज़ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी असली चेहरे दिखा रही है और जो हमको यकीन था इनका असली चेहरा यही अरे भाई देखिए पहले तो शादी होने दीजिए ना पहले शादी निकाह होगा तो उसके बाद सोचेंगे कि बेटा होगा या बेटी होगी अभी तो निकाह ही नहीं हुआ नहीं नहीं कंसीडर क्या है ये तो सब खेल हो रहा है आप क्या करने वाले अभी मालूम हुआ कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जा रही है अब जब सुप्रीम कोर्ट गए तो मामला लंबा गया फिर सर लेकिन माइक आप कई बार एक चीज की हिमायती रहे कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस अगर माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस नंबर कहाँ है नंबर कहाँ है प्रमोद जी नंबर कहाँ है सरकार में शामिल नंबर नहीं है प्रमोद जी 140 जो मेजोरिटी के नंबर चाहिए नहीं है नंबर कैसे पैदा हो गया तो बीजेपी शिवसेना या फिर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अब दोनों सिनारियों में हम साथ देने वाले नहीं है नंबर ही नहीं है ना नंबर कहाँ है बताइए आप सूबे में आपने चुनाव लड़ा है सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी सरकार बना लेकिन सरकार बने दोबारा चुनाव ना हो तो उसका बोझ जितना भी पड़ेगा अरे भाई जिसके पास नंबर है वो सरकार बनाए ना कौन रोक रहा है हम रोक रहे हैं क्या बनाए वो क्या लगता है महाराष्ट्र प्रेसिडेंट की तरफ जा रहा है मुझे नहीं मालूम गवर्नर साहब की क्या राय होगी बड़े पुराने सियासतदान है बहुत होशियार आदमी है उनका ना सिर्फ संघ से बल्कि बहुत पुराने पॉलिटिशियन है वो
Sir, in regards to Ayodhya verdict, some Muslim leaders are claiming that the 5 acres that will be allotted should be given within the 67 acre that has been taken over by the government. You see, I cannot speak for all Tom, Dick and Harry's, and as far as I know, my party's stand is, I speak for my party that we do not want this khairat. Our fight was for a legal right for a Babri Masjid. Our fight was not for to get this piece of land. And I still reiterate that if our fight was for the piece of land, we could have, you know, despite all the poverty, discrimination, state discrimination against the Muslims, we are still not that poor that we cannot construct a 5 acre masjid or a 5 acre of land anywhere in UP. Our fight was for a legal right, was for a masjid. We don't want this. You know, my party standing don't want this donation or this khairat or this bheek or this crumbs which is being given to. We don't want it. I don't know, let other people speak for it. But before doing that, they must also know the exact position according to the Islamic theology. Let them go and do some research. And I mean, you know, was this whole struggle for so many years was for a piece of land? No. I mean, from 1949 onwards, when in a very surreptitious way, in a criminal way, idols were installed, in a criminal vandalism act, 26 December, masjid was demolished. Was it for this 5 acre of land? No. It is, I feel that, you know, people who are saying, telling me to accept it, you're demeaning me. You're not understanding why we fought, why we went to the courts of law. Why did we have this patience so much? You know, that we went to the court. If it was a piece of land, you could have accepted it for somewhere else. But from last 50 years, we have been fighting this case in a court of law. With all the patience, with all efforts were put into it by the All India Muslim Personal Law Board. You know, why did all these top lawyers like Mr. Dhawan Saab, Mr. Navde, even to certain extent Kapil, why did they fight? Why did we go after them? Why did we trouble them? Was it for a piece of land? No. These people don't understand why this whole legal fight was for. This legal fight was for to ensure that injustice which was done, to ensure that justice is done to us. It was not for a piece of land. I mean, please don't demean as far as I'm concerned, by piece of land. What is it for a piece of land to us? It was legal fight for a masjid. And we wanted this masjid back because it was, the idols were placed immediately after independence, 2 years after independence, locks were open in a wrong way, and the masjid was demolished, the Supreme Court itself has stated. And this whole bogey of RSS that a mandir was demolished, no, the Supreme Court said it was not demolished. Everything is there. And if I pray in a masjid from 1528 onwards, and you stop me from praying in 1949, and then you said it's a piece of land. No, please don't demean me. You don't know my, you just don't know how much hurt it has caused me. You just don't know how much of passion and love we have for that masjid. Had we, you know, just to say take 5 acre of land. No, sir, you don't understand our pain. You don't understand where we are coming from. Had you understood why we persevered, why we had patience, you wouldn't have said in this way, take it. That is not the case. Sir, verdict aane ke baad, aap bataur ek disciplined lawmaker ki tarah aapne react kiya, kanun ke daire mein rehke react kiya, lekin jo aapko across the India, jo aapko criticize kiya ja raha, aapko deshdrohi ya pata nahi kya kya bola ja raha, us par aapki kya pratikriya hai? Boliye na, main rok sakta hu, aapka democratic right hai. आप बराबर मुझे बोलिए क्या क्या बोल सकते हैं, हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है. आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा. हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा.
जो दिल में छुपी है उसको जबान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए, हम देखना चाह रहे हैं। आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज टू हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारे, मगर आप हमारी जबान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं तो उसमें गलती क्या है? मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की जबान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी जबान में नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे जमहूरी तरीके से उनकी मुखालिफत करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मजहब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, समझिए इस बात को। और आपको ये इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। छोड़िए असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा मैं। और आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप NRC लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं? और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इनकी जबानें बंद हैं। कांग्रेस, NCP, BSP, समाजवादी पार्टी, TMC, RJD, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों बैठे हैं आप? ये खामोशी तोड़ना पड़ेगा ना आपको। ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं, आपका भी एजेंडा मेजोरिटेरियन एजेंडा है। आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका। ये बात तकलीफ थी हमारे लिए, और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में हैं, बड़ी तादाद में सेकुलर्स हैं रखते, वो लोग समझ रहे हैं इस बात। BJP के चाहने वाले, RSS के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और मुझे यकीन है हिंदुस्तान की उस जनता पर जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को, की खूबसूरती को मानती है, वो खुद आज सोच रहे हैं कि हाँ ये आज हमको दिख रहा है। सर, इट इज व्हाट आई एम, लेट देम डू इट। आई एम विलिंग टू डाई फॉर माई कॉज, आई एम रेडी टू डाई फॉर माई कॉज। वॉट इज देयर, what the great J.S. Verma has said, Supreme Court is supreme but not infallible. What is wrong in that? Have I not told you that yes, we respect the Constitution, we'll abide by the Constitution, our whole fight is for Constitution, our constitutional rights, and if these Johnnies think otherwise, let them do it, what can I say? Thank you.